दोस्तों आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट देखने को मिल रहे हैं इंस्टा पे, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मुझे ईमेल का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। हम अपने अकाउंट को ईमेल से कैसे ओपन करें, ईमेल का ऑप्शन हम कैसे एक्टिवेट करें अपने अकाउंट पे, क्योंकि जब आपका अकाउंट चेक पॉइंट में फंस जाता है यानी कि आपको देखने को मिलता है लॉग इन अप्रूवल नीडेड, वहाँ पर आपको ईमेल का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। तो आप ईमेल का ऑप्शन कैसे लेके आओगे, सारा कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है और बने रहना है वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप मोहलिया। वीडियो पूरा देखने के बाद आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको अपना मोबाइल नंबर एंड आईडी पासवर्ड बिल्कुल भी सेंड नहीं करना है, ठीक है, केवल अपनी प्रॉब्लम बतानी है। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन कर लेना है, या फेसबुक के ऑफिशियल ऐप को भी ओपन कर सकते हो, फेसबुक लाइट को ओपन नहीं करना है। यहाँ पर मैं आईडी पासवर्ड डाल लेता हूँ। जैसे लॉग इन पर क्लिक करते हैं तो हमको देखने को मिलता है लॉग इन अप्रूवल नीडेड। हो सकता है आपको कंफर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा हो। देखिए इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अभी फिलहाल हमको एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अप्रूव योर लॉगिन ऑन अनदर फोन कंप्यूटर। अगर ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस ऑप्शन से आप अपने अकाउंट को ओपन करना चाहते हो, तो इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके उस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस ऑप्शन से कैसे अकाउंट को ओपन किया जाता है। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं, मान लीजिए इस ऑप्शन से ओपन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला जाता है कि उसी फ़ोन या कंप्यूटर में लॉगिन करें, ठीक है, ताकि आपको अप्रूवल मिले और आपका अकाउंट ओपन हो पाए। तो आपको उसी फ़ोन या कंप्यूटर में लॉगिन करना है और यहाँ से आप बाद में जैसे कंटिन्यू करते हो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अब काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है कि वो यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाते हैं जिस फ़ोन या कंप्यूटर में पहले लॉगिन किया है, और वो इस अकाउंट यानी कि इस ऑप्शन से अपने अकाउंट को ओपन नहीं कर पाते हैं। तो अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको ईमेल वाला ऑप्शन लाना है। तो वो कैसे लाओगे, देखिए इस ऑप्शन से तो आप अपने अकाउंट को ओपन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब आपको अपने ईमेल वाला ऑप्शन लाना है यहाँ पर, और आप अपने ईमेल पे जाते हो कि कोड सेंड किया जाए और वो कोड डाल के अपने अकाउंट को आप वेरीफाई करके ओपन करवाओ। तो देखिए यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कंफर्म आइडेंटिटी इन अनदर वे पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन चेंज होके आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ये जो अकाउंट है यहाँ पे और कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आपका ईमेल आपके अकाउंट के साथ लिंक होगा तो आपको ईमेल वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, आपका जो ईमेल है वो लिंक होना चाहिए आपके अकाउंट के साथ पहले से ही। अगर आपका अकाउंट आपके ईमेल के साथ लिंक होता है तो आपको यहाँ पे ईमेल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे टिक करना होता है, उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको फिर से यही पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे फिर से आपको नीचे क्लिक कर देना है, कन्फर्म आइडेंटिटी इन अनदर वे पे क्लिक कर देना है, और फिर आप बैक चले जाते हो और यहाँ पे आपको ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये जो अकाउंट है यहाँ पे कोई भी इसके साथ ईमेल अटैच नहीं है, तो यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे और भी कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो अकाउंट है इस पर कुछ भी सेटिंग नहीं किया हुआ है। यहाँ पे आपको आस्क योर फ्रेंड्स फॉर हेल्प वाला भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, आइडेंटिफाई फोटोज ऑफ फ्रेंड्स का भी ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको मोबाइल वाला भी ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पहले से सेटिंग नहीं की हुई। क्योंकि दोस्तों ये जितने भी ऑप्शन आते हैं यहाँ पे चेंज होकर, वो पहले सेटिंग सभी करनी होती है हमको अपने प्रोफाइल में, उसके बाद में ही वो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर इस अकाउंट के अंदर वो सारी सेटिंग नहीं की हुई है तो इसीलिए यहाँ पे वो ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपके अकाउंट में अगर आपका ईमेल लिंक है, मोबाइल नंबर लिंक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेंज होकर आ जाएंगे। अगर आपने जो अपने फ्रेंड होते हैं जैसे आस्क योर फ्रेंड फॉर हेल्प वाला अगर ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर जो 5 फ्रेंड ऐड किए जाते हैं वो भी आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आपने वो ऐड नहीं किए हुए हैं तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि कुल मिला के बात कहने का मतलब ये है कि आप वो चीज़ें ऐड रखते हो, यानी कि अपनी जो अकाउंट है फेसबुक उसके अंदर आप उन सभी चीज़ों को अलाउ कर देते हो, ऑन करके रखते हो, तभी वो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर आप उन्हें ऑन करके नहीं रखते हो, ऐड नहीं रखते हो, लिंक नहीं रखते हो, तो आपको यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बोला जाता है कि कंटिन्यू करना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको अप्रूवल के लिए उसी फ़ोन या कंप्यूटर में लॉगिन करना है, तभी इस ऑप्शन से आप अपने अकाउंट को ओपन कर पाते हो। मान लीजिए केवल आपको ये एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है और इस ऑप्शन से आप अपने अकाउंट को ओपन भी नहीं कर पा रहे हो। तो देखिए अगर आप इस ऑप्शन से अपने अकाउंट को ओपन नहीं कर पा रहे हो, आपने बहुत बार ट्राई कर लिया है लेकिन आप अपने अकाउंट को ओपन नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको केवल 7 दिन के लिए अपने अकाउंट को ओपन नहीं करना है। आप ये ट्रिक यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे 100% तो मैं आपको नहीं बोल सकता कि अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चांस होता है कि आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं होता है, ठीक है, तो आपको 7 दिन तक अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं करना है, उसके बाद में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, अगर होने वाला होगा तो, नहीं तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। या फिर इस पे मैंने और भी ट्रिक आपको बताई हुई है, आप वो ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस ऑप्शन से कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है कंप्लीट मैंने बताया हुआ है, आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ हेल्प मिली है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।